हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजीत कुमार टेक में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में टाटा के हैवी कमर्शियल व्हीकल या स्मॉल कमर्शियल व्हीकल उनका गाड़ियों का वायरिंग डायग्राम को किस तरह से रीड करते हैं, तो ये मैं आज को आपको सिखाने वाला हूँ। उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें हमेशा ध्यान देना होता है, क्योंकि उन्हीं पॉइंटों के आधार पर आप वायरिंग डायग्राम को पढ़ सकते हैं और उससे गाड़ी में जो भी इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो इंडेक्स का होता है, जिसमें जैसे कि PS लिखा हुआ है, तो PS का मतलब होता है पावर सप्लाई, EA का मतलब होता है अर्थ, ST का मतलब होता है स्टार्टिंग एंड चार्जिंग। तो जब भी आप वायरिंग डायग्राम रीड करेंगे तो इसमें PS, EA या ST लिखा हो तो आप समझ जाइए कि वो पावर सप्लाई है, अर्थ है और स्टार्ट एंड चार्जिंग सिस्टम है। और ये सीट के किस पेज पर अवेलेबल है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सीट नंबर भी लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4। सेकंड पॉइंट में हम जानेंगे वायर के कलर कोड के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं B4 ब्लैक, BR4 ब्राउन, G4 ग्रीन, ये वायर के कलर कोड हैं। जब भी आप वायरिंग डायग्राम को रीड करेंगे तो इस तरह से कोड आएंगे R/B, यानी कि R का मतलब रेड और B4 ब्लैक, यानी कि रेड कलर का वायर है और उस पर ब्लैक कलर की लकीर खींची हुई है। ओके, और हम तीसरे पॉइंट में जानेंगे कि जो हम वायरिंग डायग्राम को रीड कर रहे हैं उस सीट में टोटल कितने पेज हैं और हम किस पेज पर हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 14 पेजेस हैं और जिसमें हम सीट नंबर 1 पर हैं। तो फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे कि ये जो तीर जैसा निशान बना हुआ है तो इसका मतलब होता है कि ये वायर कहाँ से आया है। और ऐसा ही अगर इसके अपोजिट में देखें तो ये तीर का निशान आगे की तरफ बना हुआ है, तो इसका मतलब ये वायर आगे कहाँ गया है। ओके, तो फ्रेंड्स, पांचवें पॉइंट में हम जानेंगे कि ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 करके नंबर लिखे हुए हैं और उसके आगे पीछे लकीरें भी खींची हुई हैं, और उसी के लेफ्ट में ABC करके अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं और उनके भी आगे पीछे लकीरें खींची हुई हैं। तो मान लीजिए आपको वायरिंग डायग्राम में 2C रीड करना है, तो आपको 2 और C दोनों के बीच से एक लकीर खींचनी है और उस जिस वायर को आप ढूंढ रहे हैं उसी वायर को 2 और C के अंदर ढूंढिए, कुछ इस तरह से। तो मान लीजिए हमें वायरिंग डायग्राम में FCU का वायरिंग डायग्राम ढूंढना है, यानी कि FCU में जो दो तार लगे हुए हैं वो दोनों वायर जो है कहाँ से आए हैं, यानी कि उन वायरों की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, तब जाके ये FCU पे पहुँचे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो FCU का सेकंड नंबर पिन है उसके आगे लकीर खींची हुई है और उस पर लिखा हुआ है MAI। तो MAI का मतलब होता है फ्रेंड्स मेन वायरिंग, और जो 3-2-3-C लिखा हुआ है तो ये वायर का कोड है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था R/B, यानी कि FCU में जो वायर लगा हुआ है ये उसका कलर है रेड और उस पर ब्लैक कलर की लाइन बनी हुई है। और जो 0.75 लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये इस वायर की मोटाई है, यानी कि ये वायर 0.75 mm मोटा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आगे कनेक्टर नंबर है और इसके जो वायर है वो 16 नंबर पिन पे गया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले जो MAI लिख के आ रहा था, अब यहाँ पे लिख के आ रहा है EMS, यानी कि कनेक्टर से पहले वो वायर मेन वायरिंग में था, अब इंजन मैनेजमेंट सिस्टम की वायरिंग में आ गया है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं और ये वायर सीधा आगे यहाँ पर स्प्लाइस जॉइंट होते हुए, ये इसका स्प्लाइस जॉइंट है SP018।
और ये वायर ECU के पिन नंबर 89 में गया हुआ है, फ्यूल कंट्रोल यूनिट आउटपुट। ओके, यानी कि FCU का जो सेकंड नंबर पिन वायर है वो ECU के 89 नंबर पिन पे गया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं FCU के फर्स्ट वायर को कि वो कहाँ से आया हुआ है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं FCU का ये फर्स्ट नंबर वायर है और इस पे जो कोड लिखा हुआ है MAI255FR0.75FCU। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक पेन और कॉपी लेना है और उस पे एक लकीर खींच के ये जो कोड आ रहा है MAI255F इसको पूरा का पूरा उतार लेना है और इसके आगे जो लिखा हुआ है 3PSB5 और इसके पीछे जो तीर का निशान बना हुआ है इसका मतलब होता है कि ये वायर कहाँ से आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें 3 का मतलब होता है कि इसमें जो सीट दी हुई है उसके पेज नंबर 3 पे हमें जाना है और हमें B5 में ये जो कोड लिखा हुआ है MAI255FR0.75FC ये ढूंढना है। ओके, तो हम उस लकीर के नीचे पहले ये लिख लेते हैं 3B5। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी सीट नंबर 6 है, हमें 3 पे जाना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम सीट नंबर 3 पर आ गए हैं। ओके, और हमें इसमें अभी ढूंढना है B5। तो B5 के लिए सबसे पहले हमें B के जो आगे पीछे लकीर बनी हुई है और उसी तरह से 5 नंबर के आगे पीछे जो लकीर बनी हुई है उसी के आसपास घेरा बना के उसमें हम MAI255FR0.75FCU को ढूंढेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 5 नंबर है ऊपर और इसी की सीध में हम नीचे बी और 5 दोनों के बीच में जो वायर का कोड मिलेगा उसे हम ढूंढेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कलर कोड लिखा हुआ है और कोड भी MAI255FR0.75FCU। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ये वायर सीधा ऊपर गया हुआ है जहाँ पे इसका एक स्प्लाइस जॉइंट है SP011, यानी कि SP का मतलब होता है फ्रेंड्स स्प्लाइस जॉइंट, और ये वायर सीधा फ्यूज बॉक्स से आया है यानी कि फ्यूज नंबर 3 से, जो कि EMS रिले आउटपुट है, 5 एम्पियर का फ्यूज है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं तो इसी तरह से हम वायरिंग डायग्राम को रीड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, और आप इसी प्रकार से अन्य गाड़ियों के भी वायरिंग डायग्राम को रीड कर सकते हैं और जो भी इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम आती है उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं।